देखिए इलेक्शन से पहले सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से पहले पानी की मुद्दा एक बड़ी मुद्दा थी सिलीगुड़ी शहर के सामने, क्योंकि इधर पानी की किल्लत के बारे में हम सभी को पता है, लोगों घर घर में भी पता है। तो हर पार्टी तृणमूल बीजेपी सभी पार्टी ने इस समस्या के समाधान करने की अपने अपने बात रखी थी। आज की तारीख में मेयर साहब ने उस समय बोला था कि 75% काम उनका DPR का बन चुका है, क्योंकि उस समय वो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की चेयरमैन भी थे। तो आज जब बजट में इस बारे में चर्चा करने की बात आई, लिखने की बात आई, सैंक्शन रुपये के सैंक्शन करने की बात आई, तो अब उन्होंने बोला कि बीजेपी के काउंसिलर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट किया पानी लाने के लिए। तो ये तो सरासर झूठ हुआ। आज 1 अप्रैल है, वर्ल्ड फूल डे, ये तो कौन किसको झूठा बनाया कि इलेक्शन के समय में बोला इतना बड़ा बड़ा बात और आज उन्होंने बोला ये तो आप जाके लेके आओ। तो बीजेपी के काउंसिलर लेके आए तो बीजेपी को ही तो पावर में आना चाहिए था। आपको पावर में बैठाया है लोगों ने, तो ये तो आपका काम है। आपने तो डबल इंजन का सरकार बना लिया, आप है कॉरपोरेशन में, आपका स्टेट गवर्नमेंट है, तो आप लाइए पानी। मैंने तो आप लोगों को दिखाया कि 7,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के नाम पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी राज्य सरकार को दिया है, तो उनसे आप पैसा मांगिए, राज्य सरकार से, CM साहिब से, जो 7,000 करोड़ रुपया जो पानी के लिए मिला है जल जीवन मिशन से, वो तो जल सपना नाम के राज्य सरकार अपना CM साहिबा का फोटो लगा के वो चला रही थी, तो उसमें पानी लेके, उससे पैसा लेके हमारा सिलीगुड़ी का पानी का समस्या दूर करें, नहीं तो हम लोग इसको रास्ते में लेके जाएंगे, लोगों के बीच लेके जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि जल चाहते हैं कि माननीय मेयर हमारे PHE के डिपार्टमेंट वो इस बारे में चर्चा करें। केंद्रीय सरकार ने अपना काम कर दिया है, अभी राज्य सरकार को अपना काम करे, वो नहीं करेगा तो रास्ता ही रास्ता है, तो हम लोगों को रास्ते में उतरना पड़ेगा।